लोन के नाम पे सरिया व्यवसायी से 96,500 रुपए की ठगी। सरिया के एक बगोडी चौक स्थित व्यवसायी पंचानंद पांडे ठगी का शिकार हो गए। ठग ने व्यवसायी से सरिया बैंक ऑफ इंडिया के खाते से 96,500 रुपए की निकासी कर ली। इस मामले को लेकर पीड़ित दुकानदार सरिया थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि मुझे टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विस से विकास सिंह के नाम से कॉल आया था। उसने कॉल पे बताया कि अगर आपको व्यवसाय के लिए 12 लाख तक लोन मिल जाएगा तो मैंने भी हाँ बोल दिया। इसके बाद 5 सितंबर को जावेद अहमद नाम के व्यक्ति मेरे दुकान पर आया और खुद को टाटा कैपिटल फाइनेंस सर्विस का कर्मचारी बताया और मुझसे सरिया बैंक ऑफ इंडिया का 2 चेक लिया, एक कैंसिल चेक और एक 149 रुपए का। इसके अलावा GST, पैन कार्ड, आधार कार्ड का कॉपी लिया और चला गया। जिसके बाद 9 सितंबर को फिर से फोन आया। उसने बताया कि आपका लोन पास हो गया, आप अपने खाते में 1,20,000 डाल दीजिए। जिसके बाद मैंने वह राशि अपने खाते में जमा कर दिया। जमा करने के बाद मुझे लगभग 12 बजे दोपहर को मेरे फोन में 96,500 रुपए की निकासी का मैसेज आया। जिसके बाद मैंने बैंक में पता किया तो पता चला कि चेक मुकेश कुमार साव हजारीबाग ने अपने आधार कार्ड देकर निकासी किया है। बाद में मैं विकास सिंह और जावेद अहमद सभी के फोन बंद आने लगे। सूचना के बाद सरिया पुलिस बैंक जाके जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इस पूरे मामले में बैंक प्रबंधन संतोष कुमार ने बताया कि पंचानंद पांडे का चेक था जिसमें 96,500 रुपए का बैरियर चेक मुकेश कुमार साव के नाम था और बैरियर चेक होने के कारण पेमेंट किया गया है। बैंक हर संभव जांच में प्रशासन की सहयोग करेगी। खबर 365 न्यूज के लिए सरिया से राज रवानी की रिपोर्ट। पंचानंद पांडे जी का एक चेक था 96,500 रुपए का, ये बैरियर चेक था जिन्हें मुकेश कुमार साव जी के नाम से दिए हुए थे और ये बीरर चेक था इसलिए इनका पेमेंट हुआ है। हम लोगों ने सावधानी बरती है लेकिन पीछे भी इन्होंने इनका चेक को अटेस्टेड किया, मतलब साइन को कैंसिल किया है तो हमने इसका पेमेंट किया। अब ये मामला थाना में है तो हम लोग उसको प्रशासन को मदद करेंगे और इनको पूरा जो हमारे पास जानकारी है प्रोवाइड करेंगे, इस केस का अनुसंधान करेंगे। हमको टाटा कैपिटल से फ़ोन किया था कि आप बैंक में लोन प्रोसेस के लिए दिए हैं क्या, तो हम बोले हाँ, तो बोले कि आपको बिजनेस के लिए लोन चाहिए, तो बोले हाँ लोन तो चाहिए सर, तो हम पूछबो कि कहाँ से पता आपको नंबर ये मिला, तो बोला कि डाटा एंट्री यानी डाटा से हम लोग को पता लग जाता है कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को, तो टाटा कैपिटल के नाम से बोला कि हम फाइनेंस करते हैं तो आपको RTR कितना का है, तो हम बताएँ जो होगा 8-6-7 लाख का, तो उसमें से वो बोला कि 12 लाख रुपया आपको लोन के बाद यानी हमने लोन के लिए हाँ बोले, तो दूसरे दिन वो आदमी क्या भेजा अपना डॉक्यूमेंट इसी से ही सब बोला व्हाट्सएप है या व्हाट्सएप में लिख के भेजा था यानी RTR फाइल 2 साल का वोटर आधार कार्ड वोटर कार्ड ID कार्ड और पैन कार्ड और 2 फोटो और एगो कैंसिल चेक और एगो टाटा कैपिटल के नाम से 149 का चेक, तो 149 का लिख के दिए थे चेक जिसमें से ये टाटा कैपिटल के नाम से था और दूसरा चेक था वो कैंसिल लिख के दिए थे जिसमें से चेक से 96,500 निकासी कर लिया गया सरिया बैंक से, इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया सरिया से। इसके बाद तुरंत हम यहाँ आए, मैसेज पैसा कटा, उसके बाद तुरंत आए बैंक, तो बैंक अधिकारी बोले कि तो आप सिग्नेचर किए हैं, पैसा तो आप मुकेश साहब के नाम से दिए हैं।